हेलो एवरीवन। तो सोचा कि मैं इस बारे में डिस्कस करूं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको एक कैमरे के साथ होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आती है बैटरीज़। तो नॉर्मली कंपनी वाले एक बैटरी देते हैं, मेरे हिसाब से अगर आप एक और बैटरी ख़रीद लेते हैं तो आपको इजी पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि आप रास्ते में, मतलब आप घूम रहे हैं और पता चला कि एक बैटरी ख़त्म हो गई या फिर आपने पूरी चार्ज नहीं कर पाई है, तो एटलीस्ट आपके पास उस टाइम पे दूसरी बैटरी होती है। तो सबसे पहले हो गई बैटरीज। फिर मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेमोरी कार्ड। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया ही कि सोनी का एक मेमोरी कार्ड आपको मिलता है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक और मेमोरी कार्ड ले लेता हूँ। तो मैंने फिर सैंडिस्क का ले लिया, छोटा वाला लिया, इसी को इसके साथ यूज़ कर रहा हूँ और मैंने देखा कि आराम से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये 98 Mbps वाला वो भी है और ये भी 94 Mbps का सोनी वालों ने दिया था और 98 Mbps का ये सैंडिस्क वाला है। खुल क्यों नहीं रहा है? ओके, खुल गया ये वाला छोटा सा, बट वही बड़े वाले इसके साथ लगा के, अडाप्टर के साथ लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अभी मैंने सोनी के बारे में जब डिस्कस कर रहा था तो मैंने कहा था कि इसमें माइक इनपुट है, तो माइक इनपुट होने से फिर एक फ़ायदा था कि मैं वेयर माइक लूँगा। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, प्लस थोड़ा छोटा माइक लेने का मन था। तो मैंने फिर ढूंढा, रिसर्च किया, तो मुझे सेरेमोनिक का एक माइक मिला। ये XM1 SR XM1 2000 के अराउंड का था। ठीक लगा मुझे क्योंकि छोटा है। अभी इसको मैं खोल के दिखाता हूँ कि कैसे लग जाता है। बहुत ही छोटा है। लोगों के हाथ में मैं देखता हूँ काफ़ी बड़े बड़े माइक्स। इसमें क्या है कि आपको मिस वाले एरिया में माइक इनपुट खोला और इसको लगा लिया। अब इसमें क्या है कि इजी है ना, ऐसे कर लिया और ये भी लगा लेते हैं। सुना इससे नॉइस रिडक्शन कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ मैं कैमरे और इसके बारे में, बट ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। इसको भी लगा ही देता हूँ, इसके कपड़े को, ही लग रहा है बतला सा, ठीक है, फट ना जाए बस। ठीक है, तो फिर इसको मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ और अगर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं इसको पलट के ऐसे, या फिर ये ऐसे भी मूव हो जा रहा है। तो ये सेरेमोनिक का XM1 एक माइक भी ले लिया मैंने। अच्छा है ना, मतलब छोटा सा है। वो वीडियोस में मैंने देखा कि वो लोग एक एक अजीब सा प्लेट यूज़ कर रहे हैं ताकि वो एक बड़ा सा माइक लगा लें। मुझे लगता है कि वो वेस्ट है। जब छोटा कैमरा है तो छोटा माइक होना चाहिए, या फिर आप वायरलेस कैमरा के वायरलेस माइक लीजिए। मैं लूँगा बाद में, वायरलेस माइक भी लूँगा अगर इफ़ पॉसिबल दुबई में लूँगा, अगर सस्ता मिल गया तो। देखा है मैंने रोड का वायरलेस गो करके है। तो नेक्स्ट थिंग हो गया कैमरे के साथ उसका माइक। तो ये मेरा छोटा सा माइक, फिर इसको अच्छे से रख देते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को एक चार्जर चाहिए। चार्जर कैसा? एक्सटर्नल चार्जर। इंटरनल चार्जर तो ठीक है, बट इसमें क्या होगा ना कि मान लीजिए कि हमेशा वो एक चार्ज हो रहा है या फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना है, तो हर बार आपको कैमरे में से बैटरी निकालने की क्या ज़रूरत है। इसमें ऐसे फिट किया और चार्ज कर लिया। तो मैंने ये एक स्नैपडील से ख़रीदा, बहुत महंगा नहीं मिला था, इसके साथ दो बैटरी फ्री मिल गई थी। तो एक मैंने रख दी है, एक मैंने खोल दिया है। तो ये मैंने चार्जर ले लिया, इसके केबल है। अब मैं प्रोबेबली यही यूज़ करूँगा, और माइक्रो यूएसबी केबल तो होता ही है कैमरे को अगर डायरेक्टली चार्ज करना हो तो मैंने इसलिए एक चार्जर भी ले लिया साथ में। तो ये एक चार्जर हो गया। इसके अलावा अगर मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ तो एक ट्राईपॉड की ज़रूरत थी। अब मैंने सुना है गोरिल्ला ट्राईपॉड का जो वो बॉल्स होते हैं वो बाद में बहुत ढीले हो जाते हैं, तो फिर मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि एक फ़ोटो प्रो UFO 2 करके एक है, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो मैंने फिर इसको ही ख़रीद लिया और ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत ही ईजली कैसे भी मुड़ जाता है, कितना भी आप इसको मुड़ना चाहो। आप इसको लिटा के इसको आप ऐसे कर सकते हो, पूरा घुमा सकते हो, कैसे भी करके इसको आप मोड़ के अपने हिसाब से इसको ब्लॉगिंग किट की तरह यूज़ कर सकते हो ऐसे करके। अब ये यहीं ना टूट जाए, चलो कोई नहीं, टूटेगा नहीं। तो इसको मैं ऐसे करके यूज़ कर सकता हूँ। और कैसे इसको लगाऊंगा ऊपर? बहुत आसान है, कैमरा लिया, ये
यहाँ पे इसका बोल्ट टाइप है, बोल्ट घुमा दिया और मस्त आराम से इसको एज अ व्लॉगिंग कैमरा यूज़ कर सकता हूँ विद दिस, तो मुझे ये ठीक लगा। 1200 के अराउंड का था, एग्जैक्ट रेट याद नहीं क्योंकि ये थोड़ा पुराना है, मैं गोप्रो के साथ यूज़ करता था काफ़ी, मुझे पसंद था ये क्योंकि मैंने गोप्रो में, मैं स्कूटी में भी लगा के इसको घूम चुका हूँ, तो एक मैंने ये ले लिया। एक चीज़ मैंने थोड़ी, हाँ एक स्क्रीन गार्ड की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि भाई आपके इस प्यारे से शीशे को कुछ होना, इसकी स्क्रीन टूट जाएगी तो भाई लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने एक अमेज़ोन से स्क्रीन गार्ड भी ऑर्डर कर दिया। अब इसको आज मैं लगा लूँगा प्रोबेबली, तो एक स्क्रीन गार्ड ले लिया मैंने। इसके अलावा मैंने इसके बारे में तो डिस्कस किया, ये तो इंक्लूडेड है वैसे, कंपनी वाले इंक्लूड करके दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ ली है, मैंने जब मैंने रिसर्च करी थी तो मुझे पता चला था कि इसमें फ़िल्टर नहीं है, एनडी फ़िल्टर, इनबिल्ट एनडी फ़िल्टर, पता नहीं कैसे होता होगा पर उसमें एनडी फ़िल्टर नहीं है। एनडी फ़िल्टर तब यूज़ होता है अगर बहुत धूप है तो थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है, तो मैंने ना चाइना से ऑर्डर कर लिया एनडी फ़िल्टर, तो उसमें ना ये आया और ये आया। इसको ही मैं दिखाता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आइटम था, थोड़ा डिफरेंट था। ये क्या है, इसमें ये तीन चीज़ें मिल रही हैं, इसको बोलते हैं कि मैंने जब पढ़ा था कि इसको आपको यहाँ पे चिपका लेना है, ठीक है थोड़ा सा अजीब सा होगा बट ठीक है, जब एक बार परफेक्टली यहाँ पे चिपक जाएगा तो उसके बाद मैं इसके जो फिल्टर्स हैं जो कि इसे स्ट्रैप में मिले हैं, मतलब एक पाउच में, बड़े सुंदर से पाउच है, इसमें तीन फिल्टर्स मिले हुए हैं। अभी मैं देखता हूँ इसमें कौन कौन से फिल्टर्स हैं, पर मुझे अभी बहुत आइडिया नहीं है कि कौन कौन सा फ़िल्टर के यूज़ आता है। एक बार जब आपने इसको लगा लिया होगा तो इसको आप निकालोगे पन्नी से और इसको आप ऐसे लेके टाइट हो गया, तो आप इसको बहुत आराम से, जब ये यहाँ लगा होगा तो फिर ये एक थोड़ा सा ब्लैक एंड इफेक्ट दे रहा है एज ऑफ नाउ। इसमें कौन कौन से एंडी फिल्टर मिलते हैं मैं ये भी बता देता हूँ, ये ND8 है, पता नहीं अब बहुत मुझे आइडिया नहीं है तो इसलिए मैं बता नहीं सकता कि ND8 का क्या यूज़ है एज ऑफ नाउ, बाद में अगर मैंने बहुत बड़ा कैमरे का आइडिया लगा तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है ND4, और थर्ड है ND2, तो इसका यूज़ होगा कैसे कैसे क्या होगा मैं आपको फ्यूचर में बता दूंगा अगर मुझे ढंग से समझ में आया तो। साथ में ये मिलता है कि जब ये लगा लिया है तो क्या आप मान लो निकाल चुके हैं और आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हो तो आपको पता नहीं, इसको ऐसे लगा लो जैसे पुराने कैमरे होते हैं, इसको फिर बाद में यूज़ कर लिया, इसको कनेक्ट करने के लिए ये है, पर मैं ये लगाऊंगा नहीं जनरली, इसमें भी तो अपने में भी तो एक प्रोटेक्शन है, तो ये मुझे ठीक लगा, मैंने चाइना से मंगवाया था 800-900 रुपए का था, तो अभी बस यही है इतनी सामान मैंने, मेरे को लगा कि दीज आर द मस्ट हैव्स फॉर दिस स्मॉल कैमरा, तो दैट इज़ इट। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना आप वीडियो को, थैंक यू।